बसमीम् अल्ला क्या हाल है आप सबका उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे अल्लाह पाक हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे आमीन आमीन इस प्यारी सी दुआ के साथ में मैं आज के ब्लॉग का आगाज़ करती हूँ यह जो टाइम है ये हमारे यहाँ पे साढ़े पाँच बजे का टाइम है और बस देखें क्या मंज़र है कितना खूबसूरत और मैं बस आ गई थी नमाज़ से फ्री हो के मैं आ गई थी किचन में जब आप ये देखें कि सुबह के टाइम पे जब आप, आप किचन में एंटर करते हैं और इतना साफ़ सुथरा किचन लगता है कितना अच्छा लगता है देख और ये एक सुन्नत भी है मैं फिर अपना मॉर्निंग फ्रेश होने लगी थी मैं आप सब लेडीज से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आप सुबह में जब आप उठते हैं तो आप अपने आप को ना थोड़ा सा रेडी कर लिया करें जैसे जब आप नमाज पढ़ के उठती हैं हम लोग फ्रेश होते हैं तो थोड़ा सा ज़रा मेकअप करके ना बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है यानी पूरा दिन जो है ना वो इतना फ्रेश होता है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और फिर उसके बाद में जो है जैसे ही फ्रेश होगी फिर उसके बाद मैंने सारे जो है बर्तन जितने रात के धुले हुए बर्तन होते हैं वो मैं एक साइड कर लेती हूँ ताकि सबको अपनी अपनी जगह पे रख लूँ और जैसे ही जब सारे बर्तन लग जाते हैं अपनी अपनी जगह पे मैं रख देती हूँ उसके बाद में जो है वो जगह जहाँ पे मैं बर्तन रखती हूँ उसको अच्छे से उसको वाइप आउट करके क्लीन ड्राई कर देती हूँ उसको और फिर सब चीज़ें उसकी जगह पर रख के और फिर अब मैं जाती हूँ किचन में ये देखिए सारी मैंने सफ़ाई यहाँ पर कर दी ये मैं यहाँ पर डन हूँ और उसके बाद में फिर मैं आप लोगों से एक विंटर की मॉर्निंग की ड्रिंक जो है वो शेयर करूँगी जो आजकल सर्दियाँ जैसे बहुत है और गला बहुत ख़राब हो रहा है तो आप लोग जो है ये एक नई ड्रिंक है जो मैंने देखी थी कहीं वीडियो पे तो मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ तो इसमें दो गिलास पानी लेके मैंने इसमें अदरक के थोड़े से टुकड़े आधा टुकड़ा डाल दिया और चार इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाल दी थी और एक मैंने लौंग डाल के इसको खूब पकाया और साथ में इसके मैंने एक चम्मच जो है मैंने इसके सौंफ के भी डाल दिए थे और इसको आपने खूब अच्छे से पकाना है तब तक ग्लास का जो पानी है वो एक गिलास का ना हो जाए ये देखिए ये बन गया था और इसको आप ये जैसे अभी सर्दियाँ हैं तो हमारा गला जैसे बहुत दर्द होता है तो यहाँ पे जैसे माइनस एट माइनस सेवन में टेम्परेचर हो रहा है तो इस वजह से ये जो ड्रिंक है ये काफ़ी मेरे लिए फ़ायदेमंद थी जो है मैं आ गई थी किचन में और आज मैंने डिसाइड किया था कि आज मैंने सुबह सुबह के नाश्ते के लिए जो है क्योंकि सर्दी काफ़ी थी तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं पाए बनाऊं तो बस पाए के लिए प्याज वगैरह काट रही थी तैयारी कर रही थी और ये जो देखें इसमें फिर मैंने ना कुकर में जो है वो दो से ढाई कप पानी ले लिया था मैंने और फिर इसमें पाए डाले आप लोगों को पता ही है कि जब सर्दियाँ होती हैं तो फिर पाए पायों का तो मज़ा ही कुछ और होता है तो बस ये देखें फिर मैंने इसमें पाए डाल दिए और फिर इसके बाद जो है मैंने इसमें दो चम्मच जो है मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और इसमें एक तकरीबन दो से ढाई चम्मच जो है वो मैंने आ, धनिया पाउडर गरम मसाला और सौफ़ और ज़ीरा मैंने एक चम्मच डाल के मैंने इसकी यखनी के लिए इसको चढ़ा दिया था नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं फिर जैसे ही यखनी रेडी हो गई फिर उसके बाद में मैंने यखनी को मैंने साइड किया और फिर मैंने फिर से प्रेशर कुकर में जो है मैंने आ, दो टेबल स्पून जो है मैंने इसमें ऑयल डाला है और फिर इसके बाद में जो है मैंने इसमें एक चम्मच के करीब मैंने ज़ीरा डाला ये ध्यान रखिएगा कि तेल जो है ना वो गर्म ही हो तभी ही आप डालें और फिर मैंने जो है आ, मैंने दो प्याज़ लिए थे बिल्कुल आ, मीडियम साइज़ की और उसको थोड़ा सा हाथ से ही मैंने उसको चॉप कर दिया था चॉपर में मैंने नहीं डाला क्योंकि चॉपर में डालती हूँ तो वो प्याज़ जो है बहुत पानी छोड़ती है तो इस वजह से जो है मैंने आ, यही कोशिश की कि मैं इसमें हाथ से ही काटूँ और इसमें फिर मैंने फिर से दो चम्मच जो है मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और उसको दो से तीन मिनट तक खूब अच्छे से पकाया ताकि कि जो ये अदरक लहसन का जो कच्चापन होता है वो निकल जाए और आप लोग भी मे श्योर करें कि जब भी आप लोग डालें तो उसका कच्चापन जो है वो निकल जाए इसमें मैंने फिर तीन चम्मच जो है मैंने इसमें दही डाली थी जब आप दही डालें तो आप मेक श्योर करें कि जो गैस है वो सिम होती है तो नहीं तो दही जो है वो फट जाएगी फिर उसमें जो है मैंने एक चम्मच जो है मैंने इसमें पाए के सालन का आ, मैंने लजीजा का पाए के सालन का मैंने मसाला डाला था ताकि थोड़ी सी अच्छी सी खुशबू आए उसमें और मसाले में भी टेस्ट आए तो ये देखें जी मैंने खूब अच्छे से इसको भूना था भूनने में मुझे काफ़ी टाइम लगा तकरीबन मैंने आधा घंटा भूना है इसको तो और फिर उसके बाद में आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर एक चम्मच मिर्ची पाउडर और इसमें कसूरी मेथी मैंने डाली थी थोड़ी सी और आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं लेकिन कसूरी मेथी थोड़ा सा कम ही डालिएगा अदरवाइज़ कड़वापन आ जाता है मैंने इसमें ये आप लोग ध्यान रखें मैंने इसमें है ना जो धनिया पाउडर है वो मैंने नहीं डाला नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें क्योंकि धनिया पाउडर जो है ये लास्ट में डलता है धनिया पाउडर और गर्म मसाला ये हमेशा आप लोग कोशिश करें कि ना एंड में डालें साथ में ना डालें क्योंकि फिर वो मसाला जो है वो काला पड़ जाता है ये देखें आप लोग खूब अच्छे से इसको आपने इसको भूनना है ताकि इसकी जो तेल है वो ऊपर आ जाए ये देखेंगे इसका जब तेल ऊपर आ गया तब मैंने इसमें पाए जो है वो मिक्स कर दिए थे आपने अगर आप प्रेशर कुकर में कर रहे हैं तो तकरीबन आपने मैंने इसमें तकरीबन बारह से तेरह सीटियाँ ली तब जाके वो बिल्कुल गल गया था और फिर ये जो पानी है ये देखेंगे पानी मैंने इसमें यखनी का जो था वो इसमें डाल दिया और इसको आपने खूब अच्छे से भूनना है फिर से उसको मिक्स करना है पानी को और जब तक इसको एक जोश ना आ जाए आपने इसको जैसे रखना है गैस पे, और फिर मैंने इसको जो है हरा धनिया कटा हुआ हरा धनिया और जूलियन कटी हुई जिंजर से ना मैंने इसको रख के मैंने इसको सिम पे रख दिया हुआ था और देखें जी ये हमारा जो है पाए का सालन नाश्ते के लिए जो है वो रेडी हो गया है और इतना मज़ेदार बना था ना यकीन करें मैंने तो पराठों से खाया और हस्बैंड ने जो है उन्होंने नान से खाया तो उनको ज़्यादा मज़ा आ रहा था मैंने भी फिर थोड़ा सा जो है हसबैंड से नान लेके मैंने भी उन चखा तो देखें कितना अच्छा और कितना मज़ेदार और सर्दियों की ये सबसे ज़बरदस्त सौगात होती है पाए का सालन वो मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मेरा क्या सभी का फेवरेट होता है देखें कितना मज़ेदार सा लग रहा है देखा आप लोग भी इंजॉय करिएगा मेरे साथ में नाश्ता करने के बाद मैं टेस्ट को चली गई थी थोड़ी सी ग्रोसरी लाने के लिए और ये है बटर प्रॉश ये बहुत अच्छा मज़े का ब्रेड होता है इसके अंदर आप बस मक्खन लगा दें और बस य डन ये ऑरेंजेस मैं अपने बच्चों के लिए लाई थी ताकि इसमें विटामिन सी है तो बस और ये आपको पता ये वीकेंड है तो फिर चीटिंग डे तो होना ही होना है ये राइस फ्लेक्स है ये बड़े मज़ेदार होते हैं चिल्ली के ये मैंने थोड़े से नूडल्स ले आई थी तो बच्चों को बहुत पसंद है तो मैंने कहा सारी चीज़ें ज़्यादातर बच्चों के लिए थी और ये मैं प्याज ले आई थी क्योंकि घर में प्याज ख़त्म हो गई थी हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सारी ग्रोसरी जो है हम आ, टेस्को से ही करते हैं और ये टमाटर्स ले आई थी ताकि सैलड वग़ैरह में अच्छे से खा सकें और ये देखेंगे स्ट्रॉबेरी ये मेरी छोटी वाली बेटी जो है उसको बहुत पसंद है ये तो बस कभी स्मूदी वगैरह हम बना के पी लेते हैं तो ज़रूर मैं लाजमी उसमें ऐड करती हूँ ये ब्लूबेरीज़ भी इसी वजह से ले आई थी मैं और दही जो है आपको पता ही है कि सालन में या कभी हम सैलड में लेते हैं अब भले ही सर्दी है लेकिन योगर्ट आपने ज़रूर हमेशा ऐड करना है डाइट में और ये देखें ये चीज़ ट्वेस्ट है ये बहुत मज़ेदार होता है ये इसमें चीज़ का इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आता है ना कि मैं क्या बताऊँ मुझे बहुत पसंद है ये और ये चीज़ होती है ना ये बनाना बाइट्स ये 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 ना न्यू था टेस्को में तो मैं बस ले आई मैंने कहा देखते हैं कैसा है लेकिन बड़ा मज़ेदार था ये देखें चीज़ ट ये मैं दोबारा से दिखा रही हूँ आप लोगों को ये मेरा फेवरेट है और अब जैसे सर्दियाँ हैं तो इम्यूनिटी थोड़ी सी डाउन होती है तो ये च्यूएबल विटामिन सी टैबलेट्स ले आई थी मैं ताकि ये इम्यून को सपोर्ट करें और जब भी मैं टेस्ट को जाती हूँ ना मैं ये चीज़ लाजमी देखती हूँ कि वो चीज़ जो है सूटेबल फॉर वेजिटेरियंस या वीगन्स होती हैं तो मैं लाजमी ले, ले लेती हूँ तो वही चीज़ आपने लेनी होती है क्योंकि हराम और हलाल का भी तो चक्कर होता है ना तो इस वजह से तो बहुत चीज़ें जो है वो कभी कभार हम किसी वजह से नहीं लेते हैं। यही चीज़ की क्योंकि वो हलाल नहीं होती ये देखें हाँ मेरे हस्बैंड ने जो है ना उन्होंने इतना सरप्राइज़ दिया था मुझे कि बस मुझे कहा कि बेगम एक सरप्राइज़ है आपके लिए तो मैंने कहा जी क्या तो कहते तो तुम काफ़ी दिन से कुछ कह रही थी मैंने कहा क्या तो कहते कि Uh, देखो क्या सोचो क्या मैंने कहा क्रॉकरी तो कहते हैं हाँ जी कहते हैं क्रॉकरी वो ले आए थे तो मैं काफ़ी दिन से उनके पीछे लगी हुई थी तो वो ले आए थैंक यू सो मच <laughs> तो बस देखें कितनी अच्छी है ये इसका जो बाउल है और इतनी खूबसूरत ये क्रॉकरी है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती बहुत ज़बरदस्त थी मुझे देख के इतनी खुशी हुई ना वो कहते हैं ना कि जब कोई बंदा आपको बिल्कुल एक सरप्राइज़ दे दे तो वो सरप्राइज़ वाली जो जो चीज़ अगर आपको पसंद हो और सामने आ जाए तो कितना मज़ा आता है बस यही चीज़ मेरे साथ हुई है कि मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि घर के लिए क्रॉकरी लूँगी लेकिन ले नहीं पा रही थी लेकिन हस्बैंड ने खुद ही ऑर्डर ने कर दिया और वो आ गई थी तो देखें कितनी प्यारी है वाइट और गोल्डन इस पर फ्लावर्स बने थे लीज थी बहुत मज़ा आया मुझे देख के और मुझे इतनी खुशी हुई है ना अल्लाह पाक उनके रोज़ी में रज़त में बरकत तता फरमाए आमीन आमीन जो उन्होंने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया थैंक यू सो मच अभी हाँ जी क्रॉकरी हॉल ख़त्म हुआ तो बस मिर्चों का काम शुरू हो गया हस्बैंड ढेर सारी मिर्चें ले आए थे तो मैंने कहा अभी ये ख़राब होंगी तो इससे अच्छा ये है कि मैं इसको ना पीस करके रख लूँ इसको ताकि एक महीना डेढ़ महीना ये चलते जाए मैं रमज़ान में करती होती हूँ ये चीज़ तो बस मैंने मिर्चों को काटा और उसके अंदर जो है मैंने तकरीबन सिर्फ कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए मैंने उसमें पानी डाला था ये मतलब यानी एक से दो चम्मच जैसे जितना और ये वाइट विनेगर है ये वाइट विनेगर आपने जो है इसमें डालना है ताकि ये लॉन्ग लास्ट रहे तो ये इसको आपने मिक्सर ग्राइंडर में जो है आपने पीस के बिल्कुल बारीक पीसीएगा और पीसने के बाद जो है आप इसको एक कांच की बोतल में यानी ग्लास बोतल में आपने इसको आ, स्टोर करना है आ, प्लास्टिक में नहीं करना मेक श्योर करें कि आपके पास में एक ग्लास की बोतल कांच की बोतल ज़रूर हो और फिर आपने जितना थोड़ा सा पानी डाल के आप उसको और एडजस्ट करके और फिर ये देखें जी आपका मिर्ची का पेस्ट रेडी हो गया है एक मंथ के लिए उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा ये जरूर पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा अपना भी ख्याल रखें अपने प्यारों का भी ख्याल रखें और मेरे चैनल का भी ख्याल रखें तो मिलते हैं अगले व्लॉग में हाफिज़